हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्ट्स 6.3 का एग्जाम 6.3 का कन्वर्ट्स करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, मतलब दो लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्या कह रहा है कि सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो मतलब अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल है, मतलब ये इक्वल टू ये है और इसी तरह से ये इक्वल टू, अगर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है तो क्या करेगा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल है तो वो क्या होगा, आपस में पैरेलल लाइंस होगा। हमने पिछले भी वीडियो के अंदर पढ़ा है क्या कि करस्पॉन्डिंग एंगल के कन्वर्ट में पढ़ा था ना, या अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं और दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, एक करस्पॉन्डिंग एंगल की बन रही हो, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो वो पैरेलल होंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका प्रूफ देख लीजिए, इसको मैं बोल दे रहा हूँ एंगल वन, ये एंगल टू है, ये एंगल थ्री है और ये एंगल फोर, इसको बोल दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से ये एंगल फाइव है, ये एंगल सिक्स है, ये एंगल सेवन है और ये एंगल एट है। तो इसमें प्रूफ क्या करना है कि इसको पहले टी बोल दे रहा हूँ, और ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, ये टू प्रूफ। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है क्या कि ए बी ट्रांसवर्सल टी कट्स ए बी एट ई, इसको मैं ई बोल दे रहा हूँ, ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ना ट्रांसवर्सल, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए बी और टी का, इसको मैं बोल दे रहा हूँ ई, और इसको बोल दे रहे हैं हम लोग एफ, जिस जो कि सी डी और टी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको एफ बोल दे रहे हैं। ठीक है, ए बी एट ई एंड सी डी एट एफ। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए क्या है कि हमने प्रूव कर लिया है क्या कि एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव है। ठीक है, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव है। ठीक है, और ये वैसे भी क्या है, गिवन है कि सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है कि इक्वल है, और ये दोनों क्या है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये गिवन भी है, एक हिसाब से देखा जाए तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये गिवन है क्या कि ये दोनों इक्वल है, ये मतलब एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव है और एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल फोर, ये गिवन है। तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या है कि अब ये देखिए एंगल थ्री इक्वल टू एंगल वन है, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल वन, ये कैसे इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसीलिए। तो अब यहाँ से क्या होगा, एंगल थ्री अगर इसके एंगल फाइव के बराबर है और एंगल थ्री वन के बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि एंगल वन जो है एंगल फाइव के बराबर है। ठीक है, और ये बराबर है एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव, और ये कैसे हो गया ये, और ये क्या है, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है ना, क्या कि बट देखेंगे हम लोग, बट एंगल वन एंड एंगल फाइव आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है, और हमने क्या पढ़ा है करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम में, कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है तो लाइन मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, तो अगर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो देन लाइन ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था क्या कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, थैंक यू।